सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या COD वॉरजोन मोबाइल, ये जो हमारा गेम है, ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफर में ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारी गेम को ओपन करते हैं। एंड आप लोग जानते होंगे इसे बहुत ज़्यादा मच अवेटेड गेम था ये मोबाइल पर, और आ तो चुका है, मगर एक चीज़ है कि ये एक ऑनलाइन गेम है, तो यहाँ पर आपको जो भी एरर है वो देखने को मिलेगा नेटवर्क का। एनीवेज हमको तो गेम खेलना है, तो हम मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, क्लियर कर देते हैं जो भी है। अब यहाँ अगर मैं गेम की बात करूँ ना, तो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल बहुत ही बड़ा गेम है मोबाइल पर। मतलब बहुत टाइम से इसका लॉन्च का जो है वेट था। अभी ऐसे तो मैंने जब लॉन्च हुआ था तभी डाउनलोड कर लिया था इस गेम को, मगर फिर क्या हुआ ना कि उस वीक की तो सारी वीडियो शेड्यूल थी, तो मैंने फिर अलग से इस वाले वीक में जो है आपको वीडियो दे रहा हूँ। अब गेम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो हमारा COD वॉरजोन मोबाइल है, ये जो गेम है ना, ऐसे थोड़ा रेटिंग्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये थोड़ा जो भी है कुछ अपडेट आया है, तो इसको कर लेते हैं। तो रेटिंग्स तो बहुत ज़्यादा इसकी कम हो गई है, क्योंकि ना बहुत सारे लो एंड डिवाइस के लिए तो ये बिल्कुल बना है ही नहीं, और जो हाई एंड डिवाइस है ना उसमें भी ये पीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और बहुत लैग भी हो रहा है। तो इसकी वजह से, ये तो अर्जेंट में लॉन्च करा है गेम को, इसकी वजह से जो है ना ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इनको भी मतलब थोड़ा वेट करके करना था, क्योंकि गेम काफ़ी बड़ा टाइटल है। बाकी यहाँ पर गेम की मैं बात करूँ ना, तो इस तरीके से हमको मेन लॉबी देखने को मिलेगी, जिसमें कि सेटिंग में अगर मैं चीज़ें दिखा दूँ, तो जैसे यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना, जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे ना जो ग्राफिक्स थी ना वो यहाँ पर बहुत अलग अलग थी, लो, मीडियम, हाई, और फिर कुछ एक और थी उसके ऊपर में, मगर मेरी हाई पर ही थी। अभी भी हाई पर है, वो ऑप्शन उन्होंने हटा दिया, मिड या फिर हाई, सिर्फ दो करे। तो अभी हम हाई पर ही गेम को टेस्ट करेंगे। तो अभी देखो, ऐसा नहीं है गेम अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको, मतलब अच्छा होने में कुछ टाइम लग सकता है। ऐसे थोड़ा मैं एक चीज़ दिखा दूँ, मोड कौन कौन सा आपको देखने को मिलेंगे, तो मोबाइल रॉयल है, और यहाँ पर डेथ मैच ये सब भी आपको शायद देखने को मिल रहे हैं, मगर अलग अलग नाम दिया गया है, तो वो चीज़ है। बाकी अभी स्क्वेड का जो भी है, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड होना बाकी है। अब गेम के साइज़ की मैं बात करूँगा, तो गेम का जो साइज़ है ना, अब देखो ऐसे तो प्ले स्टोर पर 1.5 GB का गेम है, मगर हाँ ओपन करने पे से ना आपसे एडिशनली ये गेम लेता है, और मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, मैंने 5 GB का देखा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो दिखा था ना 5 GB का ही दिखाया था, और शायद मुझे ऐसा लगा कि नहीं 5 GB और एक्स्ट्रा लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि 10-11 GB का गेम होगा, मगर मैंने जाकर सेटिंग में चेक करा ना, तो गेम का साइज़ सिर्फ 5 GB ही दिखा रहा है। तो मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, मगर हाँ ये है कि गेम में एडिशनली भी और चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, अगर अलग अलग मैप्स को डाउनलोड करना है या फिर ये सारी चीज़ें हुई ना, तो सब चीज़ें आपको वेट करना पड़ेगा, डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी देखो गेम ऐसे ना काफ़ी एक्टिविज़न की तरफ से आया हुआ गेम है, तो हमको ना गेम तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मगर ये चीज़ है कि बड़े टाइटल है ना, एक्टिविज़न हो गया, बड़े डेवलपर है बहुत, तो उस हिसाब से ना लोगों को एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इस हिसाब से गेम लॉन्च नहीं हो पाया, तो वो चीज़ है। तो और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का गेम देखने को मिल रहा है, मेरे को तो अच्छा लगा है, मैं क्यों ही झूठ बोलूँ, मुझे तो गेम खेलने में मज़ा आया। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि मतलब अभी गेम को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, कभी कभी लैग करता है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग बग्स एंड इश्यूज़ भी हैं गेम में, तो वो चीज़ तो है। बाकी यहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ ना ग्राफिक्स क्वालिटी और गेम प्ले मुझे ठीक लगा है। बाकी एक और चीज़ ये भी है कि अभी ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी और मतलब ये गेम्स तो है ना, देखो नॉर्मल गेम्स तो लॉन्च होते ही रहते हैं वो अलग बात है, मगर ये जो गेम है ना ये एक ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आया, तो कॉम्बैट मास्टर को अगर हम देखें ना, तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी से ही इंस्पायर्ड है और उसी की कॉपी हम बोलेंगे। तो ये जो है, अब अगर ये हमारा मतलब जो ट्रेंड सेटर है एक तरीके से गेम्स, ये जो है काफ़ी पॉपुलर गेम्स है, तो अगर यही इस टाइप से आएंगे ना, तो थोड़ा मतलब इश्यूज़ तो लगते हैं, तो वो चीज़ तो है। बाकी देखो ये है ना कि ये जो ऐसे आने वाला है ना, ये ऊपर से इस तरीके से, तो ये अभी हम थोड़ा हमको ना फेमिलियर लगेगा कॉम्बैट मास्टर से। बाकी हाँ कोई नहीं, गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है लिटरली में,
यहाँ पर जो है ना मुझे खेलने में मज़ा आ रहा है। बस ये है कि हाँ मुझे भी कहीं कहीं पर फ्रेम ड्रॉप दिख रहे हैं, क्योंकि आप मेरे पास में स्नैपड्रैगन 870 का फ़ोन है, तो उस हिसाब से अगर मैं जज करूँ गेम को तो हाँ अभी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। अगर मेरे इसमें इतने लेग इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि जो दूसरे लो एंड डिवाइस है उनमें तो क्या ही होगा, क्या पता कि इसमें चल भी रहा होगा कि नहीं, वो चीज़ है। बाकी गेम तो आप देख सकते हैं, यहाँ से एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेना बनता है, बहुत ही अच्छा फ्रेम है ये वाला, तो बात भी लूँगा उसको जो भी है। और भी बहुत सारे अलग अलग हमको मिल ही जाएंगे, ऐसे तो वो है नहीं। और ये बहुत ख़तरनाक किसी ने मारा पीछे से। बाकी एक चीज़ है कि प्लेयर्स बहुत रियल है इसमें, क्योंकि